हाई गाइज़ आई वेलकम यू ऑल अगैन ऑन एन साइड यूट्यूब चैनल और आज का जो हमारा डिस्कशन रहने वाला है दैट विल बी अराउंड स्पोर्ट्स न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें क्या होता है एनडीए सीरियस में कई बार ऐसा होता है कि एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा स्पोर्ट्स से और कई बार ऐसा होता है कि एटलीस्ट करंट अफेयर्स में दो से तीन क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलते हैं ठीक है क्वेश्चन किस टाइप में आते हैं फर्स्टली जैसे अवार्ड्स अगर कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है जिन्हें अवार्ड्स मिले सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन कि इवेंट uh, कहां होस्ट होने वाला है एंड पहले बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन आते थे कि सिर्फ टेनिस से पूछा गया है एसेट्रा अब क्या आने लग गया है पूछ लेंगे कि 13th इंडिया किसने जीती है थर्ड okay. so kind of आ जाएगा कि अच्छा मनु भाकर जो है वो किस गेम से एसोसिएटेड मुमताज जो है वो किस गेम से एसोसिएटेड है सो द पर्सन एंड एसोसिएटेड गेम्स ठीक है इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं उसके बाद काफी बार मैस्कट्स या फिर नेशनल गेम्स स्पेसिफिकली जैसे ये नेशनल गेम जो है इस बार कहाँ होस्ट हुआ है कौन सा एडिशन था कौन सी टीम जीती और जैसे इस बार देर हैड बीन फ्यू न्यू इंट्रोडक्शन इन द नेशनल गेम्स लाइक द टाइप ऑफ गेम्स है इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेंगे सो वी विल कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड एंड विल प्रोसीड विद द सेशन ओके और मैं हर क्वेश्चन के साथ आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती जाऊंगी सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द सिक्स बैटर टू स्कोर ट्वेंटी विराट कोहली विराट कोहली को मिला है एंड विराट कोहली जो है वो फर्स्ट बैटर बनते हैं इन हिस्ट्री जिनके फोर थाउजेंड रन जो है रीच हुए हैं इन टी ट्वेंटी इंटरनेशनल ठीक है in T20, उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दैट आई नीड टू शेयर विद यू इज अबाउट स्मृति मंदाना देखो स्मृति मंधाना जो है कौन है मेन क्रिकेटर है ना इंडियन वुमेन क्रिकेटर है एंड ये बनती है अपने आप में द फास्टेस्ट टू स्कोर थ्री थाउजेंड रन इन वन डे इंटरनेशनल ठीक है थ्री थाउजेंड रंस इन वन डे इंटरनेशनल ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आईसीसी टी ट्वेंटी वेमेन वर्ल्ड कप कहां पर होस्ट होने वाला है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसका जो आंसर है दैट इज साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका में होस्ट होने वाला है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कंट्री जो है आ, उसका लेडीज ओपन गोल्फ टाइटल जीता है इंडियन गोल्फर ने जिनका नाम है आदित्य अशोक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूं कि क्वेश्चन कैसा आ जाएगा कि आदित्य अशोक जो है कौन से गेम से एसोसिएटेड है सो शी इज एसोसिएटेड विद गोल्फ तो याद रखना है और जो लेडीज ओपन गोल्फ टाइटल ने, ने मिला है ये आ, कौन सी कंट्री में था केनिया में आंसर है इसका केनिया ठीक है नेक्स्ट है आईसीसी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप जो है वो कौन सी कंट्री में स्टार्ट होने वाला है फेब से ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी अभी मैंने आपको बता, आपको बताया जस्ट टू सी कि कितना दिमाग में रहता है मतलब जो भी मैंने आपको पढ़ाया इसका आंसर क्या हो जाएगा टी ट्वेंटी विमेन वर्ल्ड कप ध्यान दो किसने साउथ अफ्रीका ने उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ट्वेल्थ एडिशन ऑफ नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप देखो अब आइस कहा होगी हा कोर्स किसी ना किसी ऐसे एरिया में जहां पर आई वहीं पे तो होगा ले लद्दाख में हुआ होस्ट ठीक है अब आता है थर्टींथ हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन जो नेशनल uh, चैंपियनशिप हुई है इसमें किसने जीता है सो so, आंसर जो है दैट इज मध्य प्रदेश ने जीता है और किसको हराया महाराष्ट्र को हराया कहां पर होस्ट हुआ था इट वॉज होस्टेड इन आंध्र प्रदेश काकीनाडा में ठीक है उसके बाद आ, अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है दैट इज रणजी ट्रॉफी जो है वो किसने जीती है रणजी ट्रॉफी की अगर मैं बात करूं ये रिसेंटली सौराष्ट्र ने जीती है ठीक है सौराष्ट्र ने किसको हराया रणजी ट्रॉफी में एडन गार्डन में बंगाल की जो टीम है उसको हराया ठीक है याद रहेगा ये भी इंपॉर्टेंट है कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज सऊदी अरेबिया जो है वो रिसेंटली ट्वेंटी uh, ट्वेंटी सेवन की अगर मैं बात करूं एशियन कप फॉर फुटबॉल जो है वो होस्ट करने वाला है जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दैट इज कि 2023 में कहा होस्ट होने वाले हैं 27 में तो सऊदी अरेबिया में हो जाएंगे एशियन फुटबॉल का 2023 ट्वेंटी थ्री होगा सो so, इसका जो आंसर है दैट इज कतर ठीक है अच्छा कतर से मुझे याद आया कि कतर में और क्या हुआ अभी रिसेंटली क्या होस्ट हुआ था फीफा वर्ल्ड कप होस्ट हुआ था राइट right? कौन सी कंट्री जीती है जल्दी बताओ मुझे विच कंट्री वन और आगे फीफा में डिस्कस करने वाली टेंशन मत लो न्यूजीलैंड जो है उसने लॉन्च किया डेबी हॉकले मेडल जिसके थ्रू ऑनर किया जा रहा है विमेन क्रिकेटर्स को तो ये पूछा जा सकता है कि देबी हॉकले मेडल जो है वो किस चीज से एसोसिएटेड है या फिर कौन सा जो कंट्री है वो उसे उसने उसे लॉन्च किया है सो यू शुड नो ऑल ऑफ इट नेक्स्ट आता है फिफ्टींथ हॉकी वर्ल्ड कप ट्वेंटी किसने जीता है इसका जो आंसर है दैट इज जर्मनी जर्मनी जो है उसने फिफ्टींथ हॉकी वर्ल्ड कप जो है उसे जीता है नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर है दैट इज थर्ड एडिशन जो हुआ है अभी रिसेंटली कंडक्ट किसका हुआ है खेलो इंडिया विंटर गेम्स जैसे ओलंपिक्स में होता है ना समर ओलंपिक्स विंटर ओलंपिक्स को इसी तरीके से खेलो इंडिया विंटर एडिशन भी जो है दैट इज ऑल्सो देयर सो विंटर ओलंपिक्स कहां पर होस्ट किए गए हैं ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है So, इसका जो आंसर है दैट इज जम्मू एंड कश्मीर में होस्ट हुए गुलमर्ग में ठीक है और मैं आपसे यह पूछना चाहूंगी कि इसका मैस्कट क्या है मैस्कट पता है किसी को क्या है जल्दी बताओ इसका जो है दैट इज स्नो लेपर्ड ठीक है इसी के साथ में आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि अभी फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी हुए हैं ये कौन सा था विंटर एडिशन था फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो कहां हुए आप लोगों में से कोई एस एस बी गया ही होगा भोपाल आप लोगों ने वहां जाके अपर लेक भी अपर लेक भी देखी होगी है ना सो so, कहाँ पर होस्ट हुए हैं ये अपर लेक जो है भोपाल में वहाँ पर ये होस्ट किए गए हैं ठीक है फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स मतलब वहाँ पे होस्ट हुए हैं सो so, आपको याद रहेगा ये चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज uh, ये वाला मैंने भी आपको बता दिया खेलो इंडिया यूथ गेम जो होस्ट हुए हैं नेक्स्ट आता है आईसीसी मेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 वाला जो अवार्ड है वो किसे मिला है सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाबर आजम जो हैं ही हैज वन इट ठीक है it, uh, अच्छा मेरा क्वेश्चन ये, ये कौन से कंट्री uh, से हैं बाबर आजम जो हैं वो कौन सी कंट्री से हैं नेक्स्ट है ऋषभ पंत जो है वो अपने आप में सिर्फ ओनली इंडियन बैट्समैन है जो सेलेक्ट हुए हैं फॉर आईसीसी टेस्ट टीम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इफ़ कैट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो क्रिकेट की बातें आती हैं ठीक है सूर्य कुमार यादव जो है ही इज नेम्ड एज आई सी सी टी ट्वेंटी क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स वेरी स्पेसिफिक तो ये याद रखना है आईसीसी टी ट्वेंटी क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है सूर्य कुमार यादव को ठीक है नेक्स्ट आता है कि फेडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है इसका जो आंसर है दैट इज कज़ाकिस्तान और ये कौन से गेम्स से एसोसिएटेड है ये जो है चेस वर्ल्ड की चेस चैम्पियनशिप है फेडे वर्ल्ड चैंपियनशिप इज चेस की चैम्पियनशिप नेक्स्ट आता है कि कायाकिंग कैनोइंग अकेडमी जो है हमारे देश में कौन सी जगह पर इनोग्रेट हो रही है सो so, इसका जो आंसर है उत्तराखंड उत्तराखंड में जो है क्या हो रही है ये इट विल बी ओपन देर ओके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज uh, ये बहुत ज्यादा जरूरी है प्लीज टेक अड ऑफ इट नेशनल लेवल का स्क्वे चैंपियनशिप अभी रिसेंटली होस्ट हुई थी उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है यह क्वेश्चन है इसका जो आंसर है दैट इज फलक मुमताज स्टार स्टारमा कर लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकली बिकॉज़ शी इज जस्ट अ 11 ओल्ड कश्मीरी गर्ल सो इट्स इंपॉर्टेंट ठीक है द नेक्स्ट वन इज 2023 हॉकी वर्ल्ड कप जो है वहां पर नेदरलैंड्स जो है वो जीत जाता है नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ नेदरलैंड अपने आप में थर्ड टाइम विनर बना है एंड इस बार उसने जो कंट्री है दैट इज चिली उसको हराया है ओके सो दैट्स इट इट गेट्स वेरी इंपॉर्टेंट टेक अ नोट ऑफ चलो अभी अभी मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया इसका आंसर बताओ क्या है वॉट इज द नेम ऑफ द गर्ल जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ट्वेंटी थर्ड नेशनल स्क्वे चैंपियनशिप में भी बताया शी जस्ट इलेवन ईयर ओल्ड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर आंसर क्या है फलक मुमताज कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज मनिका बत्रा द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज मनिका बत्रा कौन से गेम से एसोसिएटेड है शी इज एसोसिएटेड विथ वॉट टेबल टेनिस से है ठीक है अभी रिसेंटली क्या हुआ है इन हर होल कार्योर वो अपनी बेस्ट पोजिशन पर अभी तक पहुंचे दैट इज थर्टी फिफ्थ ऑल ओवर द वर्ल्ड दैटन सिंगल्स सो दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट तो स्टार मार्क कर लो मने का पत्र एसोसिएटेड विथ टेबल टेनिस नेक्स्ट है सेवनटी नाइन्थ ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन बने हैं ठीक है थेके? आंसर क्या है एम प्रणेश ठीक है एम प्रणेश की अगर हम बात करें रिल्टन कप जो है कब कब जीत चुके हैं ये 2022 2023 में ठीक है सिक्योर कर चुके हैं एंड नाउ ही बिकम्स द 79th ग्रैंड मास्टर कौन से गेम से एसोसिएटेड है जल्दी बताओ ग्रैंड मास्टर कौन से गेम में मिलता है हाँ राइट right? चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन हु वाज चोजेन एज द बेस्ट प्लेयर फॉर 2022 बाय इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन हिस्ट्री एंड स्टैटिस्टिक्स तो इसका आंसर आई गेस आप सब लोग जानते हैं क्या है इसका आंसर मेसी इसके अलावा लियनल मेसी जो है इन्हें व्हेन वी टॉक अबाउट अभी रिसेंटली जो फीफा हुआ था उसमें इन्हें क्या मिला है जैसे गोल्डन बूट होता है राइट ऐसे ही गोल्डन ग्लव होता है तो क्या मिला है इन्हें जल्दी बताओ मुझे क्या आंसर है इसका आगे बताऊंगी टेंशन मत लो एवरीथिंग आई बी टेलिंग यू इन विथ सिटी इंडिया बीच श्रीलंका बाय नाइन विकेट्स टू विन अंडर नाइनटीन एशिया कप अगर क्वेश्चन आता है अंडर 19 एशिया कप जो है ये कौन सी कंट्री ने जीता है तो इसका आंसर क्या है इंडिया ने जीता है किसको हराया श्रीलंका को कहां पर मैच हुआ दुबई में ठीक है नेक्स्ट है कंट्री के लेजेंडरी फुटबॉल प्लेयर हैं पेले अभी रिसेंटली ही डाइड ही पास्ट हुए सो ये कौन सी कंट्री से हैं सो आंसर फोर द सेम इज ब्राजील ये ब्राजील से है ना so, नेक्स्ट है अंशु मलिक जो हैं अभी रिसेंटली उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है एट रेसलिंग वर्ल्ड कप कौन सी कंट्री में ये जो गेम था होस्ट हो रहा था ये है पूछोगे आपसे सो so, आंसर क्या है सर्बिया में होस्ट हो रहा था क्वेश्चन ये आ सकता है कि अंशु मलिक कौन से गेम से एसोसिएटेड है सो so, रेसलिंग से एसोसिएटेड है चलो मुझे और भी मेजर uh, जो इम्पोर्टेंट रेसलर्स हैं उनके नाम नीचे लिख के बताओ कौन कौन और इंडियन रेसलर्स हैं जो बहुत फेमस हैं ठीक है आगे भी कुछ आएंगे आंसर्स तो मैं आपको बताती जाऊंगी वो भी ठीक है अभी सितिबेनी रबूका जो हैं वो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं फिजी के ये याद रख लेना ठीक है कौन से गेम से हैं मंजीत और उन्होंने अभी रिसेंटली गोल्ड जो है वो जीता है इन ग्रीको रोमन सो so, इसका जो आंसर है दैट इज अगैन रेस्लिंग से हैं ये ठीक है और इन्होंने अभी रिसेंटली क्या है गोल्ड जीता है सो so, रेसलिंग से कौन कौन हो गया है अभी हमने किसका डिस्कशन किया था अंशु मलिक है ना और मंजीत याद रहेगा चलो नेक्स्ट जो है दैट इज एशिया मेन चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है वो होस्ट जो हुई थी उसमें इंडिया ने पाकिस्तान को हराया तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है हरा के मतलब इट्स नॉट द गोल्ड बट जो मैच था वो इज़ लास्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान उसको हरा के ब्रॉन्ज मेडल्स ने जीता है याद रखना है पी टी उषा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं फर्स्ट वन ये है कि अभी रिसेंटली राज्यसभा मेंबर जो हैं वो नॉमिनेट की गई हैं ठीक है सो दिस इज लिटिल इम्पॉर्टेंट Because she becomes the first nominated member to be on the panel in the history of Rajya Sabha. Ye vice chairman ke panel pe hai. She joined as a vice chairman, and hence it's extremely, extremely important. Star mark kar lo. India team women team hai, jisne FIH Nations Cup jo hai 2022 Major jita hai, hai? This is the question. सो so, इसका जो आंसर है दैट इज हॉकी टीम है इंडियन वुमेन हॉकी टीम जो है उसने एफ आई एच नेशन कप ट्वेंटी ट्वेंटी टू जीता है ठीक है कौन सा स्पोर्ट जो है आज तक इंक्लूडेड नहीं था खेलो इंडिया वेमेन टूर्नामेंट में और ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है सो so, इसका जो आंसर है दैट इज ट्रैक साइकिलिंग ध्यान देना है कौन सा खेलो इंडिया विमेन टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं ट्रैक साइक्लिंग जो है वो एड किया गया है इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी सो uh, so, इंडिया में भी रिसेंटली जो कलिंगा स्टेडियम है वहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा कि एफ आई एच मैंस वर्ल्ड कप ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री होस्ट हुआ था राइट तो इसमें ये ये जो मैच था किसने जीता था इस टाइम पे जर्मनी ने जीता और होस्ट कहाँ हुआ था भुवनेश्वर इंडिया में ये याद रखना है ठीक है इसके साथ साथ जो रोवार जो कु, जोको विक है उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है मेन सिंगल 2023 ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो जीता है ये भी याद रखना है फीफा में अगर हम वर्ल्ड रैंकिंग वन की बात करें वर्ल्ड रैंकिंग वन जो है वो पोजिशन ट्वेंटी में किसको दी गई है ब्राजील को दी गई है एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इसके बाद एक और चीज इंपॉर्टेंट है आ, इंडिया जो है उसने टी ट्वेंटी जो ब्लाइंड्स का होता है ना वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड्स तो वो जो है जीता है थर्ड टाइम कॉन्जिक्यूटिवली इन बेंगलुरु और किसको हराया है कौन सी टीम को हराया है बांग्लादेश ये याद रखोगे ठीक है उसके बाद शूटिंग से एसोसिएटेड दो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जैसे मैंने अभी आपको रेसलिंग के बताए मैं आपको शूटिंग के दो नेम्स बताती हूँ जो बहुत जरूरी है द फर्स्ट वन इज नर्मदा निथिन राजू ठीक है याद रहेगा राजू जो था वो बहुत थिन था क्योंकि वो नर्मदा का पानी पीता था ऐसे याद रखना है ठीक है और जो नेक्स्ट है दैट इज रुद्रांश ठीक है तो ये दोनों जो हैं शूटिंग से एसोसिएटेड हैं और अभी इन्होंने रिसेंटली दो गोल्ड मेडल जीते हैं 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम में ठीक है और ये जो वर्ल्ड कप शूटिंग वर्ल्ड कप में जीता है तो बहुत जरूरी कहाँ जीता है शूटिंग वर्ल्ड कप में और जो ये गेम होस्ट हो रहा था कहाँ हो रहा था कायरो इजिप्ट में ठीक है याद रहेगा शूटिंग वर्ल्ड कप कहाँ हुआ कायरो इजिप्ट ठीक है कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच प्लेयर हैज़ क्रिएटेडेड रिकॉर्ड एज अ प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर जिन्होंने सबसे ज्यादा अपेयरेंस दिखाई है फीफा वर्ल्ड कप सो फीफा वर्ल्ड कप जो था नाइनटीन थर्टी में स्टार्ट हुआ था एंड सिंस द डेट ऑफ इट्स यू नो स्टार्टिंग तो आज तक सबसे ज्यादा uh, जो अपेयरेंसेज थी मतलब जिन्होंने सबसे ज्यादा मैच जो थे खेले थे दैट वॉज मैथिस ठीक है लॉथर मैथिस जो हैं उन्होंने करे थे अब ये जो है लियोनल मेसी ही बिकम्स अ वन जिन्होंने सबसे ज्यादा अप्योरेंसेज दिखाई है फीफा वर्ल्ड कप में एंड मेसी एज अ प्यर्ड इन टोटल ट्वेंटी सिक्स मैच अक्रॉस ऑल द फीफा मैन वर्ल्ड कप दैट इज गोइंग ऑन सिंस नाइनटीन हंड्रेड एंड थर्टी फीफा वर्ल्ड कप जो मैन का है नाइनटीन थर्टी से चल रहा है ये याद रखना है अच्छा इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है फर्स्ट फीमेल रेफरी जो बनी है एट मेन्स 2022 ट्वेंटी फीफा वर्ल्ड कप उनका क्या नाम है सो so, उनका नाम है स्टेफनी फ्रैपर्ट ठीक है स्टेफनी फ्रैपर्ट जो है क्या बनती हैं फर्स्ट फीमेल रेफरी इन फीफा वर्ल्ड कप मेन्स जो था उसमें ठीक है कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज निखत जो है इनका नाम पूरा है निखत जरीन सो अभी रिसेंटली इन्होंने इज लाइक वन ऑफ द वर्ल्ड चैंपियंस तो कौन से गेम्स एसोसिएटेड है बॉक्सिंग से एसोसिएटेड है याद रखना है कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज फीफा वर्ल्ड कप ट्वेंटी ट्वेंटी टू में गोल्डन बॉल फॉर द बेस्ट प्लेयर किसको मिला है आप सबको बताया मैंने भी अभी क्वेश्चन पूछा था आपसे कि गोल्डन बूट मिला है गोल्डन बॉल मिला है या कुछ भी गोल्डन ग्लव ये किसको मिला है राइट सो लियनल मैसे जो है उन्होंने गोल्डन बॉल जीती है नेक्स्ट आता है इनफीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप ट्वेंटी ट्वेंटी मीटर्स विच प्लेयर सो इसका जो आंसर है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से गेम से एसोसिएटेड है ठीक है सो जो चाहत अरोरा है ये किससे एसोसिएटेड है स्विमिंग से एसोसिएटेड है नेक्स्ट आता है इगर स्वेटक जो है वो अपने आप में बनती हैं 2022 की डब्ल्यू टी ए प्लेयर ऑफ द ईयर ये जो है कौन से गेम से एसोसिएटेड है यू ऑल नो द आंसर फॉर दिस शी इज एसोसिएटेड विद टेनिस उसके बाद आता है मानू भाकर जो है इन्होंने भी रिसेंटली गोल्ड मेडल जीता था और ये कौन से गेम से एसोसिएटेड है तो आप सब लोग जानते हैं जो मानू भाकर हैं उन्होंने टेन मीटर पिस्टल जूनियर विमेन इवेंट जो कि नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में हुआ था वहां पर यू uh, नो you know, इन्होंने मेडल uh, जो है वो जीता है और शी इज एसोसिएटेड विद विच गेम आंसर क्या है इसका शूटिंग राइट right? अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया कि शूटिंग से बिल्कुल स्टार्टिंग में एक और बताया था मैंने आपको उनका क्या नाम है शूटिंग से ही एसोसिएटेड थे वो जल्दी बताओ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कौन सी एक्ट्रेस जो है वो फर्स्ट एक्टर बनती है जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी जो है उसको ऑनवेल किया इसका आंसर है दीपिका पदुकोन अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मीराबाई चानू है वो किस गेम से एसोसिएटेड है मीराबाई चानू जो है वेट लिफ्टिंग से एसोसिएटेड है इसके अलावा एक और नाम था जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही उनका नाम भी बताओ जल्दी से इन्होंने रिसेंटली क्या है सिल्वर मेडल जो है वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि कहा हुई थी बोगोटा कोलंबिया में हुई थी वहां पर इन्होंने क्या जीता है वेट लिफ्टिंग में चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है ठीक है नेक्स्ट जो है विजय हजारे ट्रॉफी जो फाइनल है सौराष्ट्र ने जीती है महाराष्ट्र को हराया बाय फाइव विकेट्स ठीक है आ, उसके बाद ट्वेंटी जो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 था ये कौन सी कंट्री में होस्ट हुआ था अभी रिसेंटली इंडिया में हुआ था अच्छा किसने जीता था मैंने अभी, अभी बताया था पीछे तो मैं जल्दी बताओ नाउ दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कौन सी प्लेयर जो है वो फर्स्ट वुमेन बनी है ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अभी अभी मैंने पीटी उषा के बारे में आपको एक और इन्फॉर्मेशन दी थी रिगार्डिंग राज्यसभा राइट सो हियर इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट हर हाउके उसके बाद आते हैं कौन से फुटबॉलर जो हैं वो फर्स्ट प्लेयर बनते हैं जिन्होंने स्कोर uh, किया है इन फाइव वर्ल्ड कप्स सो आंसर क्या है आंसर है क्रिस्टानो रोनाल्डो ठीक है अगला आता है हु एफ वन धाबी रेस जो कि स्टार्ट हुई थी इन अबू यू ए सो मैक्स स्पिन जो है उन्होंने जीता है और इनका नाम मुझे आपको इंट्रोड्यूस करने की भी जरूरत नहीं है एवरीबडी नोज अबाउट हिम सो किससे एसोसिएटेड है ये रेसिंग से एसोसिएटेड है एक बार क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैंने बताया आपको इनके बारे में नेक्स्ट जो है दैट इज इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर जिनका नाम है मनिका बत्रा इन्होंने किसको हराया है वर्ल्ड सिक्स दैट इज हीना हयाता जो कि है कहाँ की जापान की कहाँ पर हराया एशियन कप में क्वेश्चन आ सकता है मनिका बत्रा किससे एसोसिएटेड है टेनिस से एसोसिएटेड एसोसिएटेड है उसके साथ साथ एशियन कप 2022 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है सो गेट्स लिटिल इंपॉर्टेंट उसके बाद आता है कि 2024 का जो पेरिस ओलंपिक्स होने वाले हैं उसका मैस्कट क्या है सो कैन यू सी योर ये क्या है फ्रिगियन कैप्स हैं फ्रिगिन कैप्स तो ये क्या है इसका मैस्कट बनता है नेक्स्ट है जॉर्ज रसल जो है उन्होंने ब्राजीलियन ग्रैंड प्री जीती है ये याद रखना है उसके बाद आता है विजय हजारे ट्रॉफी का ये जो है इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है एंड बिकम्स द पर्सन जिन्होंने सबसे ज्यादा इंडिविजुअल स्कोर बनाया है दैट इज टू सेवन सेवन ऑन वन फोर्टी वन बॉल्स सो इसका जो आंसर है वो क्या है नारायण जगदीशन ठीक है याद रहेगा नेक्स्ट इज की इजरपर्सन ऑफ एथलीट कमीशन कौन बनती है ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आंसर क्या है uh, हमारी ओलंपिक मेडलिस्ट दैट इज मेरी कॉम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है ये किसको अवार्ड किया गया है एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट 2022 में ये दिए गए थे सो so, इसका जो आंसर है दैट इज अचंत्र शरत कमल ये कौन से गेम्स एसोसिएटेड हैं ही इज एसोसिएटेड विद टेबल टेनिस ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज पर टू द एग्जामिनेशन नेक्स्ट आता है हु हैज डिफीटेड साउथ कोरियन युवांग छू टू क्लिंच द टेन मीटर एयर राइफल बेडल इन एशियन एयरगन चैंपियनशिप जो कि साउथ कोरिया में होस्ट हुई थी इसका जो आंसर है दैट इज मिहूली घोष ठीक है कौन है हुली घोष हैं अच्छा इसके अलावा और कौन शूटर्स हैं जिनके नाम बता चुकी हूं पहले चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट पीवी सिंधु जो है उन्होंने तूफान और तूफानी जो है उनको लॉन्च किया है और ये रिप्रेजेंट करते हैं फिट इंडिया मूवमेंट को फिट इंडिया स्कूल वीक इनिशिएटिव जो कि 2022 में लिया गया है नेक्स्ट है सैयद मुश्ताक अली टी ट्वेंटी जो ट्रॉफी टाइटल है वो किसको मिला है डोमेस्टिक जॉय जो हैं दे हैव वन इट ठीक है किसको डोमेस्टिक जायंट्स दे हैव वन द ट्रॉफी नेक्स्ट आता है वो है स्क्रिप्टेड हिस्ट्री टू बिकम द फर्स्ट बैटर इन द हिस्ट्री जिन्होंने 4000 थाउजेंड रन बनाई मेरा फर्स्ट जो क्वेश्चन था इस सीरीज का उसी में मैंने डिस्कस किया था जल्दी से आंसर बताओ द नेक्स्ट वन इज की जो प्रमोद भगत है अभी उन्होंने रिसेंटली किसको हराया था नीतीश कुमार जो हैं उनको हराया एंड ही हैज वन द गोल्ड मेडल इन पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि टोक्यो में होस्ट की गई थी ठीक है उसके बाद आता है कि इंडियन मेंस टीम जो है उसने अपना फर्स्ट गोल्ड मेडल जो है वो जीता है आ, कौन सी कंट्री को हराते हुए कुवैत जो है उसको हराया है एशियन स्क्वॉश चैंपियनशिप में ठीक है उसके बाद आता है इंडिया जो है उसने सुल्तान जोहर कप जीता है और हराया किसको है ऑस्ट्रेलिया को हराया है थर्ड टाइम इंडिया ने ये कब जीता है इसलिए इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वन इज कि इंडिया जो है वो होस्ट करेगा 2023 ट्वेंटी थ्री वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कौन सी कंट्री इंडिया जो है वो होस्ट करने वाली है ठीक है कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज फीफा अंडर सेवनटीन वुमेन वर्ल्ड कप ट्वेंटी जो है ये किसने जीता है सो द आंसर फॉर द सेम इज स्पेन जो है उसने जीता है एंड उसने किसको हराया है उसने हराया है कोलंबिया को ठीक है कोलंबिया जो है उसको हराया है दिस दिस बीन डिफीटेड बाय और जो ये गेम है ये कहाँ हुआ था नवी मुंबई में जो पाटिल स्टेडियम है ना डी वाई पाटिल uh, स्टेडियम वहां पर ये गेम होस्ट हुआ था ओके नेक्स्ट है हु बिकम्स द फर्स्ट इंडियन रेसलर जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है अंडर 23 वर्ल्ड रेस्लिंग चैंपियनशिप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि आ, ये जो आ, अमन सहरावत हैं, ये कौन से गेम से एसोसिएटेड हैं? ये रेसलर हैं, ठीक है नेक्स्ट है 2023 फीफा वीमेन वर्ल्ड कप जो है उसका मैस्कट क्या है जो इसका मैस्कट है दाजुनी ताजूनी क्या है यह एक पेनगुविन है क्या है पेनगुन है ओके okay. और ये जो गेम होने वाला है कहा होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में एंड न्यूजीलैंड में ठीक है याद रखना नेक्स्ट जो है दैट इज इंडियन विमेन टीम ने एशिया कप 2022 श्रीलंका को हराते हुए जीता है टोटल एट विकेट से हराया है सो so इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडियन विमेन टीम ने जीता है उसके बाद आता है थर्टी सेवेंथ एडिशन जो है नेशनल गेम्स का जो कि अक्टूबर ट्वेंटी थ्री में होस्ट होने वाले है सा जो है सिटी वो होस्ट करेगा गोवा में होंगे ओके okay? उसके बाद है कि जापनीज ग्रैंड प्री किसने जीती है मैक्स वर्थ्सपन अच्छा इन्होंने अभी रिसेंटली अभी अभी बताया था मैंने कि एक और इन्होंने जो ग्रैंड प्री है वो जीती है कौन सी वाली ग्रैंड प्री जीती है इन्होंने नेक्स्ट जो है थोड़ी सिक्स नेशनल गेम 2022 में एक इंडिजिनस स्पोर्ट खेला गया था जिसका नाम है मलखम वो ऐसा दिखता है आपने शायद इंडिया गॉड टैलेंट वगैरह में मलखम काफ़ी बार देखा होगा उसके बाद आता है सो so, राष्ट्र जो है उसने 2022 जो ईरानी ट्रॉफी है वो जीती है किसके अगेंस्ट जीती है ये मैंने अभी आपको बताया था दिस वॉज सेकंड क्वेश्चन आई आस्ट इन दिस सीरीज जल्दी से आंसर बताओ मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही करूं सो दैट यू गिव आंसर ओके तो प्लीज नीचे लिखते जाओ आंसर मैं देखना चाहती हूं कितना आपको याद है उसके बाद आता है फीफा जो है उसने रिलीज किए हैं तीन एपिसोड सीरीज ऑन सुनील क्षेत्रीज लाइफ एंड करियर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फीफा ने किया है प्लीज टेकअन नोट ऑफ इट ही इज द फुटबॉलर ही इज द कैप्टन ऑफ फुटबॉल टीम सो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ठीक है नेक्स्ट है सिक्स एशिया कप टाइटल जो है ये किसने जीता है सो so, श्रीलंका जो है उसने जीता है और किसको हराया पाकिस्तान को हराया कहां पर होस्ट हुआ था ये दुबई में होस्ट हुआ था ठीक है उसके बाद आता है साफ अंडर 17 चैंपियनशिप टाइटल जो है ये किसने जीता है सो दिस हैज बीन वन बाय इंडिया किसको हराया नेपाल को कौन सी कंट्री में हराया कोलम्बो ये मैच कोलम्बो में ये मैचेस हो रहे थे ठीक है उसके बाद आता है थर्टी नेशनल गेम्स जो भी हमने डिस्कस किए इसके अंदर योगासना जो है इसको वन ऑफ द फाइव स्पोर्ट्स जो कि अभी दिस टाइम नए खेले गए हैं दैट इज इंट्रोड्यूस्ड और योगासना में जो फर्स्ट एथलीट है जिनको गोल्ड मेडल मिलता है दैट इज पूजा पटेल सो क्वेश्चन आ सकता है कि पूजा पटेल जो है ये कौन से गेम से एसोसिएटेड है सो so क्या होगा शी इज एसोसिएटेड विद योगासना ठीक है उसके बाद आता है विच इंडियन क्रिकेटर बिकम फास्टेस्ट टू स्कोर थ्री थाउजेंड रन बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जब मैंने आपको विराट कोहली का पढ़ाया था तभी मैंने इसका आंसर बताया था क्या है स्मृति मधाना है ना स्र... स्मृति मंदाना ओके okay. उसके बाद आता है ईशा सिंह विभूति भाटिया और नामिया कपूर इन लोगों ने क्या किया है इन्होंने जर्मनी को हराया है और ब्रॉन्ज मेडल जीता है और इस पर्टिकुलर मैच में मूव फॉरवर्ड किया है सो दिस गेट्स इंपॉर्टेंट ओके कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गोल्ड मेडल जीता रेसलिंग में इन 2022 ट्वेंटी नेशनल गेम्स सो so, इसका जो आंसर है दैट इज अंतिम पंगाल अब देखो रेसलिंग में एक और नाम जुड़ता है अंतिम पंगाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज हु बिकम्स द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने चार मेडल जीते हैं एट वर्ल्ड रेस्लिंग चैंपियनशिप सो इसका जो आंसर है दैट इज बजरंग पूनिया किससे एसोसिएटेड है रेस्लिंग से अगैन बहुत जरूरी उसके बाद आता है कौन सी जो सिटी है उसने दुरंत कप जो है वो जीता है द आंसर फोर द सेम इज बेंगलुरु बेंगलुरु जो है उसने uh, हराया किसको है मुंबई को हराया है

उन्होंने क्या जीता है यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता है है ना सो किससे एसोसिएटेड है जैवलिन थ्रू ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकम्स द फर्स्ट इंडियन फीमेल जो रेसलिंग प्लेयर है उन्होंने दो मेडल जीते हैं इन वर्ल्ड चैंपियनशिप द आंसर फॉर द सेम क्या है जल्दी बताओ विनेश फुगाट उन्होंने एक तो कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता था गोल्ड मेडल है ना और ब्रॉन्ज मेडल जो है उन्होंने कहा जीता है इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप सो दो मेडल जो इंडिया की फर्स्ट फीमेल जिन्होंने दो मेडल जीते हैं कौन बनी है विनेश फोगाट एसोसिएटेड किस गेम से हैं जल्दी बताओ रेसलिंग से तो रेसलिंग के बहुत सारे नाम है याद रखना है ठीक है कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अब हम ना थोड़े से अवार्ड डिस्कस कर लेते थे हैं ठीक है अवार्ड इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए सो लेट्स डिस्कस इट फर्स्ट क्वेश्चन की आर आर जो है ट्रिपल आर यू मर्थ तो ये बहुत फेमस रही है नाटू नाटू सॉन्ग के लिए है ना तो अभी इसमें ओरिजिनल सॉन्ग एट ऑस्कर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का टाइटल जीता है ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में नॉट ओनली दिस गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी इसने जीता है ठीक है सो दिस इज इंपॉर्टेंट अच्छा मुझे एक और बात बतानी थी ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सो so, ज्ञानपीठ अवार्ड जो इस टाइम जीता है दैट इज इन 2023 ये किसने जीता है इंडियन ऑथर आप लोगों ने काफी बार सुने होंगे अमिताभ घोष राइट सो उन्होंने ये अवार्ड जीता है ओके okay? नेक्स्ट जो चीज़ है दैर इज कि किन को अवार्ड किया गया है ऑर्डर ऑफ मेरिट बाय ब्रिटेन के जो किंग है चार्ल्स थ्री ज डिस्टिंग्विश्ड सर्विस टू द साइंस तो किसको किया गया है वेंकी रामाकृष्णन ठीक है वेंकी रामा कृष्णन जो है उनको ये अवॉर्ड दिया गया है उसके बाद गुजराती फिल्म छेलो शो जो था वो भी ऑफिशियल एंट्री ले गया था ऑस्कर में बट हाँ जीता, जीता जो है दैट इज फ्रॉम आर कंट्री इट सेल्फ दिस टाइम दैट इज आर 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 ठीक है सो so, और कोई नहीं ऑस्कर में जीता है सो so प्लीज यह याद रखना है नेक्स्ट आता है कि किनको दिया गया है सिंगापुर का प्रेस्टीजियस मिलिट्री अवार्ड सो ये किसको दिया गया है एडमिरल सुनील लाम्बा अच्छा सुनील लांबा जी जो हैं वो क्या है द uh, नेवी में जल्दी बताएं मुझे है ना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड किसको मिला है 2022 में सो यू कैन सी हियर क्रिस्टोफर नोलान जो है ये क्या है डायरेक्टर हैं राइटर हैं एक्टर हैं प्रोड्यूसर हैं इन्हें दिया गया है उसके बाद सेवन मून्स ऑफ माली अल्मा जो है ये इसको बुकर प्राइज मिला है एंड ये किसकी बुक है सो so आप लोग जानते हैं शिहान जो है ये क्या है एक श्रीलंकन यू नो लाइक ही स्ट्रम श्रीलंका एंड ही हैज रिटन दिस पर्टिकुलर फिक्शन ओके इज अ ऑथर ऑफ इट सो इनको क्या मिला है बुक का प्राइज मिला अच्छा एक और चीज़ मैं आपको जरूरी बताना चाहूंगी डैट जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेक श्योर ऐप जल्दी से डाउनलोड कर लो जो इनसाइट एस एस बी की है लिंक जो है उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मैं किस लिए बोल रही हूँ आपके लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है आप लोगों ने देखा होगा कि टेलीग्राम पर हमने आपको पूरी सेक्शनल टेस्ट के थ्रू प्रेपरेशन कराई है एंड बिलीव मी और नॉट दिन में ना वो सिर्फ क्वेश्चन बनाने में दो घंटे और उसको रात में डालने में एक घंटा जाता है एंड वी वर्क सो हार्ड फॉर यू ताकि तुम लोग स्मार्ट वर्क कर सको है ना और अब हम तुम लोगों के लिए क्या लेके आ रहे हैं नाउ वी आर कमिंग अप हुए जीके के करंट अफेयर के टेस्ट आएंगे तुम्हारे कब आ रहे हैं इट विल कम ऑन इलेवेंथ एंड कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे ठीक है बिल्कुल फ्री सो दैट यू गाइज कैन एक्चुअली जस्ट चेक आउट कि तुम्हारी कितनी प्रेपरेशन हो चुकी है मेरी बस सिर्फ एक गुजारिश है तुम लोगों से कि इतनी रिविजन और इतनी मेहनत कर लो लास्ट मोमेंट पे कि लिटरली जब एग्जाम खोल के देखो तो तुम्हारे कानों में आवाज़ गूंज रही हो कि ये क्वेश्चन मैम ने पढ़ाया था ये क्वेश्चन मैम के मटीरियल से आया है दैट इज़ इट मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है तो कि तुम बस फॉलो कर लो यार जितनी हेल्प कर रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं इससे ज़्यादा ठीक है तुम लोगों के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं वीडियोस बना रहे हैं एंड उसके साथ साथ वी आर मेकिंग श्योर कि तुम्हें इवन यू नो ऐप पे कंटेंट जितना भी तरफ से मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकते हैं दैट वी आर प्रोवाइडिंग सो प्लीज गो यूटिलाइज इट वेन वी आर गिविंग इट और तुम्हें पता है कि इन साइड एस बी स्टैंड विद स्मार्ट वर्क तो जो भी हम कराते हैं ना बहुत लिमिटेड हमारी आदत नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ाएं बिकॉज बहुत ज़्यादा पढ़ा के तो यार सब कुछ आ ही जाता है वी बिलीव इन लिमिटेड स्टडीज जस्ट वो जो कि इंपॉर्टेंट है एज़ पर टू एग्जाम और उसी पे फोकस करते हुए भी टेस्ट और जो भी आपके सेक्शनल चीज़ें बनाई हैं बनाई हैं तो प्लीज़ गो एंड फॉलो इट आउट और हाँ सिर्फ करंट अफेयर्स के टेस्ट नहीं तुम्हारे लिए फुल लेंथ एक दो टेस्ट भी अपलोड कर लेंगे ठीक है तो फुल लेंथ जो टेस्ट है उनको भी जाके अप्लाई करके देखना कि तुम कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो के okay, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन देखो नोबेल प्राइजेस बहुत ज्यादा जरूरी है एंड स्पेसिफिकली अगर बात करूं पीस प्राइज बिकॉज ये जो प्राइज है सिर्फ एक ही को मिला अदरवाइज जो और हैं सारे ऑर्गेनाइजेशन को मिले हैं ठीक है सो so, देखो यहां पे एक तो मेडिसिन सेवाबो ठीक है उसके बाद ऐसा कर सकते हो यार जो बैरी है उन्होंने बोला कि मोर्टिन को कैरी करना मच्छरों से बचने के लिए है ना बैरी ने बोला मॉर्टिन को कैरी करना सो so ये क्या है केमिस्ट्री के ठीक है उसके बाद बात करेंगे जॉन ने एलियन की अनाटमी समझने की कोशिश

के साथ आपकी वीडियो खत्म होती है अच्छे से रिवाइज कर लेना भाई पांच दिन है तुम्हारे हाथ में सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स तुम्हारे स्पोर्ट्स के एक वीडियो में मैंने कंपाइल करके दे दिए हैं इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं अच्छे से कर लेना और इसके साथ साथ टेलीग्राम पे मैं तुम्हारे लिए एक फ़ाइल भेजूँगी जिसके अंदर एक तो फोटो या फिर फाइल जो भी मेरा मन करेगा देखती हूँ अगर टाइम बचता है तो जल्दी जल्दी तुम्हारे लिए एक फोटो बना दूंगी मतलब प्रॉपर जिसमें सारी चीज़ें और अदरवाइज एक फाइल पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी तुम्हें तो इसमें होंगे जितने भी स्पोर्ट्स के इवेंट्स हैं और वो इवेंट्स कहाँ पे होस्ट होने वाले हैं ठीक है तो उनको अच्छे से कर लेना बहुत जरूरी होंगे ये सारे ठीक है सो विद दिस आई एंड दस वीडियो ऑल द बेस्ट और बस एक ही चाहत है कि तुम लोगों का नाम सी की यू वाली जो लिस्ट होती है उसमें बड़े बड़ा अच्छे से रोल नंबर और तुम्हारा नाम हो और फिर बस वही खुशी है यार मेरे लिए तो और कुछ नहीं है ठीक है तो अच्छे से पढ़ाई करो मेहनत करो ऑल द बेस्ट